नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है। दोस्तों, आजकल भोजपुरी सिनेमा में खलबली मची हुई है, एक नया विवाद जन्म लिया है, एक नया चर्चे का विषय आया है। बात यह है कि भाई, क्या अब भोजपुरी फिल्मों में बिहारियों को काम नहीं मिलेगा? वजह यह बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भोजपुरी फिल्मों पर सब्सिडी दी है, उसकी शर्त यही है कि भाई, उत्तर प्रदेश में अगर शूटिंग कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के कलाकारों को आपकी फिल्मों में लेना होगा। अब इस बात से खलबली मची हुई है, बिहारी कलाकारों को ये उनको चिंता हो गई है कि क्या अब भोजपुरी फिल्मों में बिहारी के कलाकारों को नहीं लिया जाएगा, निकाला जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ जिससे शायद कुछ हद तक आप मेरी बात समझ जाएंगे। ये तो बिल्कुल सच है कि भाई, उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है फिल्मों पे, ये कहते हुए कि भाई मेरे राज्य में आओ, फिल्में बनाओ। और ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि भाई, जो फिल्में बनाई जाएंगी उत्तर प्रदेश में, उनमें यूपी के कलाकारों को भी लेना है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि बिहारी कलाकारों को नहीं लेना है। जी हाँ, फिर एक बार बताता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि बिहारी कलाकारों को भोजपुरी फिल्मों में नहीं लेना है, हालांकि शूटिंग यूपी में जाकर हो सकती है। सबसे पहले आपको बताएं कि सब्सिडी का मतलब क्या होता है। सब्सिडी का मतलब होता है कि आप 100 रुपये फिल्म में लगाएं, उत्तर प्रदेश में शूट करें, जिसमें से 30 से 40 रुपया आपको उत्तर प्रदेश सरकार वापस कर देगी। यानी 100 रुपये की अगर फिल्म बनती है तो 40 से 35-30 रुपये आपको उत्तर प्रदेश सरकार दे देगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे क्यों रही है? उसकी सबसे बड़ी वजह है प्रमोशन। उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर फिल्मों की शूटिंग हो सकती है, उन सभी को प्रमोशन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने सब्सिडी देने का फैसला लिया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कलाकारों को भी मौका मिले, बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर मौका मिले, इसलिए सब्सिडी देने का फैसला लिया। पहली बात तो ये है, ये अगर आपको समझ आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा आपको समझाना चाह रहे हैं कि भोजपुरी फिल्में पहले से ही बनते आ रही हैं और सिर्फ बिहारी कलाकार ही भोजपुरी फिल्मों में काम नहीं करते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कलाकार भी भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सब्सिडी देने की बात नहीं की थी, ये फैसला नहीं लिया था, तब भी भोजपुरी फिल्में बनती थी, भोजपुरी फिल्मों में बिहारी कलाकार काम करते थे और उत्तर प्रदेश यूपी के भी कलाकार उसमें काम करते थे। फ़र्क बस इतना था कि अगर 100 लोग मिलजुल कर एक भोजपुरी फिल्म में काम कर रहे हैं तो उसमें से 70 से 75-80 तक का आंकड़ा बिहारी कलाकारों का और टेक्नीशियनों का होता था, जबकि 20 से 25 लोग ही सिर्फ उत्तर प्रदेश के कलाकार और टेक्नीशियन से आते थे। तो ऐसा पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। फर्क बस इतना है कि अब यूपी के जो कलाकार हैं वो भोजपुरी फिल्मों में काम करेंगे विथ सब्सिडी के साथ अब वो काम करेंगे, जबकि उनकी फीस पहले भी उतनी ही मिलती थी, आज भी उनको उतनी ही मिलेगी। बस फर्क ये आ गया है कि अब यूपी के कलाकार भोजपुरी फिल्मों में सब्सिडी के साथ काम करेंगे। जी हाँ, तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बिहारी भाई हैं, बिहारी कलाकार हैं, उन्हें चिंतित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देखें कि भोजपुरी फिल्मों में आखिर यूपी के कितने ही कलाकार काम करते हैं। अगर मैं आपको तुरंत ही कह दूं कि 10 स्टारों के नाम बता दीजिए उत्तर प्रदेश से जो हैं, जो भोजपुरी की फिल्मों में काम करते हैं, तो आपको शायद समय लग जाएगा 10 कलाकारों के नाम गिनाने में। अरविंद अकेला कल्लू, रितेश पांडे, समर सिंह, रवि किशन, इसके अलावा जो है बहुत ही चंद कम कलाकार हैं जिसमें से आप उंगलियों में गिन सकते हैं जो यूपी के कलाकार हैं और जो भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शूट भले ही यूपी में होगा, लेकिन बिहारी कलाकारों को भी वहाँ काम दिया ही जाएगा। मैं वापस से एक बार बताता हूँ कि भाई, सब्सिडी का मतलब बस यही है कि यूपी के कलाकार पहले भी भोजपुरी में काम करते थे, लेकिन अब सब्सिडी के साथ काम करेंगे, फीस उनकी उतनी ही होगी। और अगर ऐसा बिहारी कलाकार मान रहे हैं कि भाई नहीं मिलेगा काम, तो मुझे लगता है कि आप बेवजह ही चिंतित हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी होना जाना नहीं है और इस तरह की अफवाहों से आपको ज़्यादातर दूर ही रहना चाहिए। भोजपुरी में बहुत बड़ी एकता है, भोजपुरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भोजपुरी में बिहारी, झारखंडी, छत्तीसगढ़ी और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेशी, बहुत सारे लोगों का समावेश है। भोजपुरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है कि बॉलीवुड और साउथ के कलाकार भी अब एंटर हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं फिर से कहता हूँ कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा। फर्क बस इतना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश सरकार से हो गया है सब्सिडी के रूप में, और जो यूपी के कलाकार पहले काम करते थे उसी फीस पर आज भी काम करेंगे। फर्क बस इतना है कि इस बार सब्सिडी के साथ काम करेंगे। अगर मेरी बात आपको समझ आ रही हो, अगर मेरी बातों से आप सहमत हो, तो अपनी राय भी क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह की खबरों के लिए बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार।